Good morning, students. Today is 8th May and this is maths lecture for class 11th students. We are going to deliver 26th lecture on topic relations and functions. So in today's lecture we will start discussion from question number 5 onwards, exercise 2.2 NCERT. Dekho kya diya question. Let A equals to 1. A is a set with entries 1, 2, 3, 4 and 6. Let R be the relation on A defined by A comma B such that A comma B belongs to set A. B is exactly divisible by A. B is exactly divisible by A. Diya. So we have to write R in roster form. We have to find domain of R and we have to find range of R. See. So how we will write R in roster form? R. As B is exactly divisible by A, B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए कमा बी. तो मान लिया बी वन है तो वन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई इनमें से किस में डिविजिबल है वन से. इसके बाद तो वन और किसी से डिविजिबल नहीं होगा. देन वी विल कंसिडर बी एज टू. पहले बी को ही लिख रहे हैं ए कमा बी है तो एट फर्स्ट वी राइट बी फिर आप ए को लिख लो. यहाँ से टू इज डिविजिबल बाई वन ओके या नहीं. देन टू इज डिविजिबल बाई टू. बात समझ में आ गई. फिर आप क्या लिखोगे थ्री. तो थ्री इज डिविजिबल बाई वन. फिर क्या लिखेंगे हम लोग थ्री इज डिविजिबल बाई थ्री. इसके अलावा किसी से नहीं होगा. फिर आप फोर लिखो. फोर इज डिविजिबल बाई वन. फोर इज डिविजिबल बाई टू ओके. एंड फोर इज डिविजिबल बाई फोर लिख लिया. फिर हम सिक्स लिखेंगे. सिक्स इज डिविजिबल बाई वन. सिक्स इज डिविजिबल बाई टू. देन सिक्स इज डिविजिबल बाई थ्री. देन सिक्स इज डिविजिबल बाई सिक्स. फिर क्लोज कर दिया क्योंकि लास्ट एंट्री सिक्स है. बात समझ में आ गई ओके. सो एक्चुअली सम कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग आउटसाइड तो आज तुम्हें थोड़ा सा नॉइज फील होगा. सो कोऑपरेट प्लीज. आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड लेक्चर इवन. सो आर इज दिस ओके. नाउ इन सेकेंड वी हैव टू फाइंड डोमेन ऑफ आर. सो हाउ विल फाइंड डोमेन ऑफ आर. सी डोमेन ऑफ दिस रिलेशन इज. हम लोगों ने क्या पढ़ा डोमेन के रिगार्डिंग. जो ऑर्डर पेयर की फर्स्ट एंट्री है वो डोमेन है. तो ऑर्डर पेयर की फर्स्ट एंट्री आप लिस्ट करो. वन वन फिर से ऑलरेडी आ चुका है. टू वन ऑलरेडी लिस्टेड है. थ्री फर्स्ट एंट्री हमें देखना है ऑर्डर पेयर की. वन ऑलरेडी है. टू ऑलरेडी लिख रखा है. फोर है ओके. देन सिक्स ये ऑलरेडी आ चुका है. सिक्स ऑलरेडी है ओके. सो दिस इज योर डोमेन ऑफ आर. थर्ड रेंज ऑफ आर. रेंज ऑफ आर. रेंज ऑफ आर के बारे में आपने क्या पढ़ा है. सेकेंड एंट्री इज रेंज. सेकेंड एंट्री ऑफ ऑर्डर पेयर इज रेंज एलिमेंट. तो सेकेंड एंट्री लिस्ट करते हैं. वन यहाँ पर सेकेंड एंट्री है. टू सेकेंड एंट्री थ्री. एंड हियर सेकेंड एंट्री इज फोर ओके. सेकेंड एंट्री इज देन सिक्स हियर. सो रेंज इज वन टू थ्री फोर सिक्स. बात समझ में आ गई. सो दिस इज हाउ टू राइट आर इन रोस्टर फॉर्म. व्हाट इज डोमेन एंड हाउ टू राइट रेंज ओके. नाउ सी नेक्स्ट प्रॉब्लम. देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है. राइट द रिलेशन आर इक्वल्स टू एक्स कमा एक्स क्यूब सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म. तुम्हें यहाँ रिलेशन लिखना है रोस्टर फॉर्म में. आर इक्वल्स टू एक्स कमा एक्स क्यूब. यहाँ पर एंट्री दिखा रखी है. आर इक्वल्स टू एक्स कमा एक्स क्यूब है ऐसे सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10. एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10. तो लिखो लेस देन 10 जो तुम्हारे प्राइम्स हैं 2 है तो यहाँ क्या आएगा 2 क्यूब. फिर अब 3 लिखो तो 3 क्यूब 27. फिर कौन है प्राइम 5. 5 क्यूब 125. फिर 7 है 7 क्यूब 343. फिर 8 9 नहीं है 10 से लेस ही रखना है तो यही प्राइम होगा 2357. उन पर ही रिलेशन लिख दिया. बात समझ में आ गई. तो 7 नंबर पर आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है. लेट ए इक्वल्स टू ए सेट विथ एंट्रीज एक्स वाई एंड जेड. बी इज अ सेट विथ एंट्रीज 1 एंड 2. फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी. देखो नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने की बात की जा रही है. तो नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप एन ए को स्टडी कर लें. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है 2 है. देन आप स्टडी करो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होता है एन ए इंटू एन बी होता है. तो एन ए कितना है 3. एन बी कितना है 2. कितना है 6. तो देखो एन ए क्रॉस बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी आ गया. नाउ वी विल राइट नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी. नंबर ऑफ रिलेशंस ए टू बी क्या पढ़ा है आपने. नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा. नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्योंकि तुमने पढ़ा है ना
What is relation from A to B? It is a subset of Cartesian product of A and B. तो A क्रॉस B के subsets होते हैं, तो जितने subsets हम बना पाएंगे A क्रॉस B के उतने ही relations बनेंगे. तो number of subsets of A क्रॉस B है. तो subsets का क्या formula होता है? 2 power n. तो इसमें A क्रॉस B में element कितना है? 6 है. तो number of subsets कितने बनेंगे इसके? 2 power 6. यही हमारा number of relations है. Very easy to find. Okay. I hope तुम्हें समझ में आया होगा कि number of relations किस तरीके से find किया जाता है. Okay. चलो कुछ और प्रॉब्लम देखें. तो अब देखो, अभी आगे प्रॉब्लम्स डिस्कस करने से पहले हमें अब फंक्शन के बारे में डिस्कस करना है. रिलेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. सो नाउ टू प्रोसीड फर्दर, एट फर्स्ट वी नीड टू डिस्कस फंक्शन. देखो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ऑल्सो ए रिलेशन, है ना. सबसे पहली बात तो ये है कि फंक्शन इज अ रिलेशन. फंक्शन इज अ फंक्शन भी एक रिलेशन ही है ना. फ्रॉम टू ऐसा लिख सकते हो, फंक्शन इज अ रिलेशन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी. फंक्शन इज अ रिलेशन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी फ्रॉम ए टू बी. From A to B, A and B non-empty sets are relation from A to B such that each domain element of A ऐसे लिखते हैं, each domain element of A, या चलो ठीक से आप लिख सकते हो, each element of A has one and only one relation. Has one and only. अभी आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले हमें यहाँ पर समझना है एक टर्म फंक्शन के बारे में. फंक्शन क्या है? सो फंक्शन इज ऑल्सो रिलेशन, बट वी हैव अ कंडीशन देयर, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन व्हेन each element of set A has one and only one relation in set B. Has one and only one relation in set B. इसका क्या मतलब है? सीधा सीधा समझ लो. मान लो कोई सेट A है, यहाँ पर मैंने ये इधर सेट B रखा है. मान लो सेट ए के अंदर 1, 2, 3 कोई एंट्री है और सेट बी के अंदर एंट्री है 4, 5 and 6, है ना. मान लिया मैंने सेट ए 1, 2, 3 है और सेट बी है 4, 5, 6 एंट्री दी हुई है यहाँ पर 4, 5, 6. तो जब आप रिलेशन बनाते हो ए क्रॉस बी पर, पहले तो आप ए क्रॉस बी लिखते हो, उसमें आता है 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5, 3, 6 आ जाएगा, है ना. इस तरीके से 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, है ना. 2, 4, 2, 5, 2, 6 एंड 3, 4, 3, 5, 3, 6 है. 3, 4, 3, 5, 3, 6 है. तो ये तो ए क्रॉस बी है. अब यहाँ पर रिलेशन के अंदर तो कोई सा भी एलिमेंट्स आ सकता है, बट वही रिलेशन फंक्शन है जहाँ पर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन रिलेशन विद सेट बी. तो वन एंड ओनली सिर्फ एक रिलेशन होना चाहिए. हमने यहाँ पर 1 को 4 से भी लिंक किया, 1 को 5 से भी, 1 को 6 से भी, तो किसी एक के साथ लिंक करना है. मानो मैंने 5 के साथ लिंक कर दिया बस, ठीक है. फिर 2 को आपने 4, 5 और 6 तीनों से रिलेशन यहाँ पर दिखाया है. लेकिन अगर हमें किसी रिलेशन को फंक्शन बताना है तो उसकी किसी एक के साथ ही हम रिलेशन दिखा सकते हैं, और ऐसा दिखाना मस्ट है. वन एंड ओनली वन रिलेशन होना ही चाहिए. मान लो मैंने 2 का दिखा दिया 4 के साथ रिलेशन और 3 का 6 के साथ रिलेशन. तो ये हमारा फंक्शन है, ये रिलेशन फंक्शन है. इस रिलेशन के अंदर हमने क्या क्या एंट्री लिया देखो. यहाँ पर तो 1, 4 लिया, 1, 5 लिया आपने. क्या लिया? 1, 5. फिर क्या रखा हमने? 2, 4 लिया. ओके, देन हमने क्या रखा है? 3, 6. बात समझ में आ गई? तो दिस रिलेशन इज अ फंक्शन. अब इसी की जगह अगर मैं यहाँ पर मान लो ए में 1, 2, 3 है और यहाँ पर 4, 5, 6 है,
मैंने वन को लिंक कर दिया फोर से, टू को फाइव से, थ्री को सिक्स से और थ्री को फाइव से भी लिंक कर दिया। तो आप यहाँ पर देखें तो वन का वन रिलेशन है, टू के कितने रिलेशन है, वन रिलेशन फाइव से है, बट थ्री के दो रिलेशन हो गए, सिक्स से भी और फाइव से भी। तो ये हमारा फंक्शन नहीं हुआ क्योंकि उसमें एग्जैक्टली वन रिलेशन ही होना चाहिए। मान लिया मैंने एक और एग्जांपल में तुम्हें बताता हूँ। देखो ये वन टू थ्री है और फोर फाइव सिक्स है, यहाँ पर लिख देना ए से बी हम लोग देख रहे हैं, अभी ए टू बी देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा है, अभी हमने वन को फोर से लिंक किया, टू को लिंक किया सिक्स से और थ्री का कोई रिलेशन दिखाया ही नहीं, थ्री का कोई रिलेशन नहीं दिखाया। तो क्या ये फंक्शन है, क्या रिलेशन फंक्शन है? तो हमने वन का रिलेशन फोर से दिखाया, टू का सिक्स से दिखाया, थ्री का रिलेशन कोई दिखाया नहीं, वन एंड ओनली वन रिलेशन होना चाहिए। तो ये तो फंक्शन हुआ ही नहीं क्योंकि इसका तो कोई रिलेशन नहीं दिखा पाया, इसलिए फंक्शन नहीं बना। बात समझ में आ रही? मान लिया एक और देख लो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ए टू बी, हमने वन को ही फोर से, टू को ही फोर से, थ्री को ही फोर से दिखा दिया, क्या रिलेशन फंक्शन है? तो हमें तो बस ये देखना है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन रिलेशन इन सेट बी। वन के कितने रिलेशन है, वन रिलेशन फोर से है, टू का कितना रिलेशन है, वन रिलेशन है फोर से है, थ्री का कितना रिलेशन है, वन रिलेशन है फोर से है, इसलिए ये हमारा क्या है, फंक्शन है। बात समझ में आ गई? तो जब प्रॉब्लम दिया होगा तो आप इस तरह से एरो डायग्राम बना करके आप चेक कर सकते हो कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। ओके, चलो कुछ क्वेश्चन करके देखें। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, यहाँ कुछ रिलेशंस गिवन है, इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है, गिव रीजंस इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। ठीक है, चलो फर्स्ट हमने यहाँ पर एक सेट बना लिया, इधर दूसरा सेट बना लिया और इसमें लेफ्ट एंट्री और इसमें राइट एंट्री फिल करते हैं यहाँ से देख करके। तो टू एक साथ आप दिखा सकते हो, टू वन है तो टू वन ऐसे दिखा लो, वो बेटर है। फाइव वन, फाइव का वन से ही, वन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, फाइव का वन से दिखा लो। एट वन, एट का भी वन से। एलेवन वन, एलेवन का भी वन से। फिर क्या है, फोर्टीन वन, तो फोर्टीन का भी वन से। फिर क्या है, सेवनटीन वन, सेवनटीन कहीं इधर लिख देते हैं, तो सेवनटीन का भी वन से। अब हमसे पूछ रहा है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है। तो हम लोग अभी डेफिनेशन क्या पढ़ रहे हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ लेफ्ट सेट, मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन रिलेशन इन सेट बी। टू के कितने रिलेशन है, वन रिलेशन। फाइव के कितने, वन रिलेशन। एट के कितने, वन रिलेशन है। एलेवन के, वन रिलेशन। फोर्टीन के, वन रिलेशन। सेवनटीन के, वन रिलेशन। तो यस, इट्स अ फंक्शन, यस इट्स अ फंक्शन, ये फंक्शन है। अगर फंक्शन है तो हमें इसका डोमेन और रेंज लिखना है। तो देखो डोमेन क्या होगा इसका, फर्स्ट पार्ट पर डोमेन, तो ऑल फर्स्ट एंट्री ऑफ ऑर्डर पेयर इज डोमेन। तो फर्स्ट एंट्री क्या है यहाँ पर, टू फाइव एट एलेवन फोर्टीन सेवनटीन, टू फाइव एट एलेवन फोर्टीन एंड सेवनटीन। इसका रेंज क्या है, तो रेंज यहाँ पर देखो, रेंज क्या है, ये वन आर रेंज। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे आप रेंज को ऐसे ही पढ़ोगे कि ओनली दैट एलिमेंट ऑफ राइट सेट विच हैज इट्स रिलेशन इन लेफ्ट सेट इज रेंज। तो यहाँ तो एक एलिमेंट ही इनका सबसे रिलेशन है, अभी तो वन रखो, फिर आगे बताऊंगा। चलो सेकंड पार्ट देखो, ये देखो सेकंड पार्ट क्या है, ऐसे बना लिया, ठीक है। फर्स्ट एंट्री टू यहाँ पर वन से रिलेटेड है, फिर फोर राइट सेट में टू से रिलेटेड है, एक टू बना लो। फिर सिक्स थ्री से रिलेटेड है, ओके। एट फोर से रिलेटेड है, एट फोर से रिलेटेड है, और भी एंट्रीज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा उसे बड़ा कर लेते हैं एंट्री को, है ना, सेट को बड़ा कर लेते, ऐसे समझो, ठीक है। फिर टेन, टेन फाइव से रिलेटेड है, ट्वेल्व सिक्स से रिलेटेड है, और फोर्टीन सेवन से रिलेटेड है। बात समझ गए? अब हमें क्या देखना है कि वेदर दिस रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट। तुम तो देखो कि वन एंड ओनली वन रिलेशन होना चाहिए, ये मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है, ऐसे। तो टू का वन रिलेशन है, फोर का वन रिलेशन है, सिक्स का वन रिलेशन है, एट का वन रिलेशन है, टेन का वन रिलेशन है, ट्वेल्व का वन रिलेशन है, एंड फोर्टीन का भी केवल वन रिलेशन है। तो यस इट्स अ फंक्शन, यस इट्स अ फंक्शन, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। यहाँ पर डोमेन लिखना है, तो डोमेन को डी से लिखते हैं। डोमेन क्या है, टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन,
टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन, और रेंज क्या बना, रेंज को आर से लिखते हैं, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट करके देखें क्या है, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या लिखा है यहाँ पर, देखो इधर वन थ्री, ठीक है, वन फाइव एंड टू फाइव, टू का फाइव से, इज दिस रिलेशन ए फंक्शन, तो चलो स्टडी करें क्या लिखा है, वन थ्री वन फाइव, मैंने वन को दो बार लिख दिया, वन का फाइव से दिखाओ, ठीक है, वन थ्री वन फाइव एंड टू फाइव, ऐसे रिलेशन है एक्चुअली, बात समझ में आ रही। चलो मैं फिर से बना देता हूँ, ये देखो वन थ्री देन वन फाइव, वन का फाइव से है एंड टू फाइव, टू फाइव से, वन थ्री वन फाइव टू फाइव, इज दिस रिलेशन ए फंक्शन, तो तुम तो चेक करो कि लेफ्ट एंट्री जो सेट ए की एंट्री है उसके वन एंड ओनली वन रिलेशन होने चाहिए, तो वन के कितने रिलेशन है इसमें, वन का थ्री से भी है और वन का फाइव से भी है, तो दो रिलेशन निकल गए ना, टू के कितने रिलेशन है, टू के वन रिलेशन, तो एक भी एलिमेंट का अगर मोर देन वन रिलेशन आ गया तो वी विल से दैट नो इट्स नॉट ए फंक्शन, क्योंकि वन एंड ओनली वन रिलेशन ही होना चाहिए, नो नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन बिकॉज वन हैज टू रिलेशन, बिकॉज वन हैज टू रिलेशन इन राइट सेट, टू रिलेशन इन, टू रिलेशन इन राइट सेट, इन राइट सेट, वन का राइट सेट में दो रिलेशन है इसलिए फंक्शन नहीं है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि फंक्शन हम लोग किस तरीके से चेक करते हैं, रिलेशन का कोई भी रिलेशन फंक्शन है नहीं वो कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। अब 2.2 आप फेयर नोटबुक में अटेम्प्ट करना ऑल क्वेश्चंस, 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ओके, थैंक यू।